तो बनाते हैं नई रेसिपी। चलो चलते हैं रसोई की तरफ फटाफट से। आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाएंगे तो ये हलवा बहुत बढ़िया सा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो ये चुकंदर, तब इनको छील लेंगे। कोई चुकंदर बोलते हैं, कोई और कुछ नामों से, अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं इनको, पर मैं अब इनको छिलका उतार लूँ उस तरीके से। इन्हें अच्छे से साफ कर लिए मैंने, पहले डंडी वगैरह इसकी हटा दी, ऐसे डंठल झाँक के सारे। तो अब इनको छील लेंगे। तो हमने छिलका उतार लिया, छिलका हटा देते हैं। तो अब ये कद्दूकस है, एक किसनी, तो जा से किस लेंगे, ऐसे सारे किस लेते हैं। तो कद्दूकस मैंने कर लिया, बहुत अच्छे से किस लिए, ये किसनी से बहुत अच्छे से। ये देखिए, तो ये किस लिए इधर कर दिया, गैस चालू। ये रखेंगे तड़का पैन, पैन को हमने रख दिया, उसी में डालेंगे घी। तो 2 चम्मच करीब घी डाल दिया हमने, तो घी गरम होने देते हैं। ये देखिए, तो घी अच्छे से गरम हो गया, तो पैन भी गरम हो गया। तो अब डाल देते हैं चुकंदर पिसा हुआ। तो अब इन्हें अच्छे से सेकेंगे थोड़ी सी देर, 1 मिनट करीब चलाना है। तो उसको अच्छे से इसको मैंने भूंज लिया, देखिए। तो घी के साथ में बहुत रोस्ट हो गया थोड़ा सा। तो अब डालेंगे इसी में शक्कर, तो शक्कर अपने जरूरत के हिसाब से डालें मीठी। तो और चला देंगे, थोड़ी सी चटक डाल रहा है, कुछ बाद में डालेंगे। तो कटी हुई चटक अच्छी लगती है, मोटी मोटी। और अब थोड़ा बहुत अगर दूध डाले या पानी डाले, जैसे भी, तो दूध डालना हो तो दूध डाल सकते हो, पानी डालना हो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, ज्यादा नहीं, ना के बराबर। देखिए मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। तो इतना ही डालूंगी मैं, अब इसमें अच्छे से चढ़ जाए थोड़ा, और सॉफ्ट हो जाएगा ये, चढ़ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से अब इसे 1 मिनट और पकने देते हैं, सूखने देते हैं, तो शक्कर भी अच्छे से घुल जाएगी। और शक्कर के बाद में बहुत बढ़िया से अच्छे से मैश हो जाएगा सारा। दोस्तों गैस को कर दिया हमने बंद, तो गैस बंद कर दिया है, देखिए, तो बहुत बढ़िया सा। और अब लगाते हैं प्लेट, तो अब लगाएंगे प्लेट। तो प्लेट हमने लगा ली कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ डालते हैं और। तो इसी में अब डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा काजू, 4-5 काजू काट लिए थे मैंने। अब डालेंगे और चिटक, तो अब निकालते हैं चम्मच, और ये चम्मच है, ये हमने लगा ली प्लेट। तो बना लिया हमने चुकंदर का हलवा, तो हलवा बहुत अच्छा टेस्टी बना, और अच्छे से बना, बहुत बढ़िया बना। और आप भी बनाइए, खाइए, तो क्योंकि कुछ जरूरतों को पूरी करता है, कुछ खून की कमी है कि कम पूरी करे हैं, तो बहुत अच्छे से। आप लोग सब डॉक्टर भी बताते हैं, बोले ये खाना जरूरी है, इसको खाओ, कैसे भी बना के कुछ भी खाओ, लेकिन चुकंदर जरूर खाया करो। तो अच्छी बात है, हमने बना के खाते हैं। तो दोस्तों ऐसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।